हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक, टाइम मैनेजमेंट, समय व्यवस्थापन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समय को मानवीय संसाधन भी माना है एंड ए मानवीय संसाधन भी माना गया है। ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि समय कौन सा संसाधन है, तो मानवीय है या अमानवीय है। तो समय हमारा मानवीय संसाधन और मानवीय संसाधन दोनों में काउंट किया जाता है। मानवीय संसाधन किसने माना है, ग्रास एवं कैंडल के अनुसार, और अमानवीय संसाधन किसने माना है, निकिल एवं डार्सी के अनुसार। अब परिभाषा देख लेते हैं। कम समय में गुणवत्तापूर्ण किया गया कार्य, यानी आप कम से कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं और वो आपका कार्य गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, वही हमारा टाइम मैनेजमेंट, समय व्यवस्थापन कहलाता है। समय व्यवस्थापन करने का क्रम हम देख लेते हैं। फर्स्ट आ जाता है सूची बनाना, कार्यों की हम सूची बनाते हैं। सेकंड, समय का अनुमान लगाना, समय का हम अनुमान लगाएंगे कि किस कार्य में कितना समय लगने वाला है। थर्ड, अनुमानित समय और टोटल टाइम में संतुलन बनाना, यानी जो हमारे पास टोटल टाइम है, पूरे दिन का जितना टाइम है एंड जो हमने अनुमान लगाया है कार्य करने के लिए, उसके बीच में बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना। फोर्थ आ जाता है योजना बनाना, देन हम अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। अब हम टाइम मैनेजमेंट के कुछ तकनीक्स पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट है यंत्र एंड सेकंड आ जाते हैं संसाधन और मापदंड का निर्धारण। यंत्र के अंतर्गत आते हैं पिकलोड, कार्यवक्र, विश्रामकाल। ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको एक नाम दे दिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि ये यंत्र के अंतर्गत आता है या फिर संसाधन और मापदंड के अंतर्गत आता है। तो आपको ये तीन याद रखने हैं और बाकी सब आते हैं आपके माप संसाधन और मापदंड के अंतर्गत। फर्स्ट आ जाता है पीक लोड, कार्यवक्र, विश्रामकाल। कार्यवक्र आप देख रहे होंगे, जो ये रेड कलर में मैंने बॉक्स किया है, कार्यवक्र इसलिए किया है क्योंकि ये यंत्र में भी काउंट होता है और आपके संसाधन और मापदंड में भी काउंट होता है कार्यवक्र, तो आपको याद रखना है। अब हम संसाधन और मापदंड का निर्धारण के जो तत्व है उसमें हम देखेंगे। सबसे पहले आता है समय मूल्य, सेकंड समय मानक, थर्ड कार्यवक्र कार्य इकाई, एंड फोर्थ कार्यवक्र जो कि यंत्र में भी है, एंड फिफ्थ आ जाता है समय क्रम, सिक्स समय दर्शन, एंड सेवन कार्य संतुलन। अब हम इनके बारे में कुछ थोड़ा एक्सप्लेन में देख लेते हैं। सबसे पहले यंत्र, यंत्र में फर्स्ट आ जाता है पीक लोड। पीक लोड क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है अत्यधिक कार्यभार को। जैसे आपके पास मॉर्निंग से लेकर जितना भी कार्य है, आपके पास एक समय ऐसा आता है कि उस टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा कार्य होता है, तो वही आपका पीक लोड होता है। जैसे गृहिणी के लिए मॉर्निंग का टाइम होता है क्योंकि मॉर्निंग में गृहिणी को बहुत सारे कार्य करने होते हैं, जैसे लंच बनाना, बच्चों का टिफिन तैयार करना, बच्चों को तैयार करना। अगर गृहिणी जॉब करती है, महिला जॉब करती है, उसको खुद भी जाना होता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अत्यधिक कार्यभार रहता है मॉर्निंग में, तो वही उसके लिए पीक लोड होता है। अब सेकेंड आ जाता है हमारा कार्यवक्र क्या दर्शाता है, कार्य का उतार चढ़ाव। ये उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। ये आप जो डायग्राम है वो देख सकते हैं, ये आपके कार्यवक्र को दर्शा रहा है किस टाइम आपके पास ज़्यादा कार्य है, किस टाइम आपके पास कम कार्य है। थर्ड आ जाता है विश्रामकाल। विश्रामकाल 40 मिनट मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को 2 मिनट का विश्राम करना चाहिए, ये आपको याद रखना। यानी अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में कार्य कर रहा है, मेंटली कार्य कर रहा है, जैसे चेयर पे बैठ के लैपटॉप में कार्य कर रहा है, तो वो उसका मेंटली कार्य हो जाएगा और वो 40 मिनट कार्य करने के बाद उसको 2 मिनट का रेस्ट करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति 100% शारीरिक कार्य करता है, यानी हार्डवर्क करता है, तो उसे उस कार्य के 100% कार्य का 65% आराम उसको करना चाहिए, आराम की आवश्यकता होती है। अब सेकेंड हम देख लेते हैं संसाधन और मापदंड के निर्धारण तत्व। फर्स्ट आ जाएगा समय मूल्य। यह स्थिर नहीं होता है, परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। सभी व्यक्ति के पास 24 घंटे रहते हैं, यानी सभी के पास टाइम सेम है, 24 घंटे मिले हैं सबको, बट वो उसका यूज़ किस तरह से करते हैं, सभी की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। सभी के घरों में खाने का समय थोड़ा चेंज रहता है या फिर कार्य करने का, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो वो उनकी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, उसी को समय मूल्य हम कहते हैं।
सेकेंड आ जाता है समय मानक यानी कार्य इकाई, किस कार्य में कितना समय लगता है उसकी हम एक सूची बना लेते हैं, यूनिट बना लेते हैं, वही हमारी कार्य इकाई या समय मानक कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कार्य वक्र, जो कि हमने यंत्र में भी पढ़ा है। कार्य वक्र ये आपके कार्य के उतार चढ़ाव को दर्शाता है और उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। फिर समय क्रम, कार्यों को क्रम से करना, यानी आप एक कार्य करने का एक क्रम बनाएंगे कि आपको फर्स्ट हैवी वर्क करना है एंड लास्ट में आपको इजी वर्क करना है, क्योंकि लास्ट में आते आते आपको थकान हो जाती है और काम में आपको नीरसता आने लगती है, तो इसलिए जो इजी कार्य होते हैं उनको आपको लास्ट में करना चाहिए। तो आपको कार्यों को ना क्रम से लगाना है, तो उसी को हम समय क्रम बोलते हैं। सिक्स्थ आ जाता है समय दर्शन, समय को यूज़ करने का आपको सही तरीका आना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पास समय तो पूरा 24 घंटे बट आपके जो कार्य हैं वो कंप्लीट नहीं हुए, तो आपको उसको यूज़ करने का सही तरीका आना चाहिए। अब आ जाता है हमारा सेवेंथ नंबर समय संतुलन, टाइम बैलेंस। समय को संतुलन करने का तरीका सभी कार्यों के बीच के समय में संतुलन बनाना, यानी आपके जो भी कार्य हैं उनके बीच में आपको संतुलन बनाना है और आपको उनके बीच में एक गैप रखना है, अंतराल रखना है, ताकि आपको बीच में विश्राम करने का टाइम मिल सके और आपको कहीं बाहर जाना है मनोरंजन के लिए जाना है उनका भी आपको टाइम मिल सके, तो आपको समय संतुलन अपने कार्यों में करना चाहिए। अब लास्ट हम देख रहे थे समय व्यवस्थापन का क्रम। सबसे पहले मदों की सूची बनाते हैं और फिर समय का अनुमान लगाते हैं, देन संतुलन बनाते हैं और लास्ट में हम योजना बना लेते हैं। तो ये गाइस कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है टाइम मैनेजमेंट के टॉपिक में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी जरूर बताएं। थैंक यू।